पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव अपने परवान पर है। इसमें लगाई गई तोप आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उत्सव देखने आने वाले लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जोधपुर के लोहा इस्पात व्यवसायी मोहम्मद रफीक कारवा और उनके पुत्र फिरोज खान ने इस नायाब तोप को डिजाइन किया है। तोप को बनाने में अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है। इस तोप की लंबाई है 58 फुट और इसकी चौड़ाई है 15.5 फीट और इसके व्हील की हाइट है 12 फीट। और दिस इज माई डे टू, और डे टू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंड व्लॉग है और अभी बज रहे हैं शाम की 6 और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं बाहर घूम कर आऊँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ। ठीक है, ये एकदम मेरी नेचुरल स्किन है, मैंने मेकअप भी नहीं कर रखा है इसलिए आपको पिम्पल वगैरह भी दिख रहे होंगे। यार अभी ना सर्दियों के अंदर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा है, स्किन भी डैमेज हो रही है, इसलिए मैं मेकअप तो बहुत लाइट करने वाली हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है कैसा रहता है। हो सकेगा तो मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी वहाँ पे भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तभी जाके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मतलब सब टाइप की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, शॉपिंग आइटम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आप बोर नहीं होने वाले हो, आपके 2-3 घंटे मस्त आराम से निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो टाइम निकाल के फ्री होके आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप आधे घंटे के लिए आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो या पूरे मेले के अंदर भगवान जी की मूर्ति देखने के बाद में ना जो अट्रैक्टिव चीज़ें लग रही है ना वो जेन्युइनली ये लग रही है, मतलब कितना सही चीज़ें बना रखे हैं यहाँ पर। खाओ माँ कसम, ये मैकेनिकल है, मतलब पहले मैकेनिक कैसे काम करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ये तो वो है जो यू नो ताले वाले जो बनाते थे या नकली चाबी बनाते थे या जो ताले बेसिकली जो बनाते थे जितने भी लॉक वाले वो है। और मेरे को ना कसम से ये चीज इतनी अट्रैक्ट कर रही है ना, बहुत सही है। ये तो घड़े कैसे बनाए जाते थे ना, जो कुम्हार होते थे वो ऐसे घड़े बनाते थे पहले। ठीक है, एक्चुअल में कितनी बड़ी हो गई है और मेरे को यार बहुत सही लगी है। ठीक है, मतलब ये सारा स्क्रैप आइटम है और ये सुनने में भी बहुत यूनिक लग रहा है कि यार स्क्रैप से कोई कैसे बना सकता है, बट विच इज ट्रू। जो मैंने अभी आपको तोप के बारे में तारीफ करी है उनको बनाने वाले ये हैं और इन्होंने बनाई है इतनी बड़ी और इतनी ह्यूज तोप जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये है वो जिन्होंने ये सब कुछ, हाँ, मोहम्मद रफीक का कारवा अंकल है ये। बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं स्क्रैप आइटम से और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर है। अभी आपको आगे वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर तोप के ऊपर अगर आप फोकस करो तो ये सिर्फ स्क्रैप आइटम से बनी है। ठीक है, यानी कबाड़ से, और ये इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है अंदर जो बहुत यूनिक है। और यहाँ पर एक डिस्प्ले लाइव फंक्शन चल रहा है मे बी। और मेरे को देखो आज ये क्या मिले हैं, चाचा चैंपियन राइट गजब बेइज्जती। नो चार्ली चैपलिन, ओ सॉरी चार्ली चैपलिन। ये बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही क्यूट मैम है और आपकी और संदेश पहुंचा रहे हैं, अच्छे से ब्लॉग बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको पहुंचा दो। थैंक यू सो मच। इन्होंने भी वैसे बहुत अच्छा गेटअप लिया है, बहुत अच्छा मेकअप करा है, बहुत सही से। इसमें ये वीडियो के दौरान आपका मनोरंजन करते हैं, मैं लाइव करता हूँ। वैसे दुनिया में मुझे जानते हैं, मेरा नाम है चार्ली चैपलिन। तो प्लीज, जीवन में मेरे अंदर बहुत दुख है लेकिन फिर भी सबको हंसा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा काम होता है, सबसे कठिन काम यही होता है, सबसे मुश्किल काम ही होता है जो कि इतनी खुशी से, इतनी बकायदा, इतनी आसानी से करने हैं। जस्ट नहीं, और इसके पीछे की जो मेहनत है वो आपको ऑब्वियसली पता है, इनके जब आप शोज देखते हो, इवेंट्स देखते हो, आपको डेफिनेटली पता लगेगा। सो इंस्टाग्राम पे आप जाके विजिट करना, मेरी आईडी है मैजिशियन आसिफ, मैजिशियन आसिफ को आप फॉलो कर लेना। थैंक यू। हम ले रहे हैं एग्जिट ले रहे हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो चुकी है। ओके, तो चलते हैं बाहर। और आई थिंक मेले का तो नहीं था, अब आगे कुछ नहीं है यहाँ पे, बस वो चला था ये गेरे यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह है, यहाँ पे है वगैरह, नोजरी वगैरह पे काम आप कर रहे हैं।
ऑलमोस्ट आई थिंक मेला खत्म हो चुका है, जो उत्सव है, जो मेला है वो खत्म है, बस इतनी चीजें हैं। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा ही मजेदार रहा, बहुत सही लगा मेरे को यहाँ पे घूमने पे, बहुत मजा आया यार। मैं तो जा रही हूँ घर पे, सामने मेरी गाड़ी पार्क है तो मैं बस अपनी गाड़ी लेने जा रही हूँ और ऑलमोस्ट अब मैं आपको मिलूंगी अपने घर पे। बाय बाय।